ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पिलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ सकता है, कुछ ऑफर वगैरह भी देना पड़ सकता है? यही हुआ है कि सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग का जितना है दर पहले से शुल्क है उसी को रहने दिया जाए और कोटा नहीं फिक्स किया जाए, और अगर होता है तो हम लोग बार मालिक बार बंद कर देंगे। लोकल खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं सुभाष शेखर। झारखंड की सरकार यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा शराब बेचना चाहती है, इसके लिए छत्तीसगढ़ से स्पेशल एडवाइजर बहाल किए गए हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और अब सरकार की नीतियों से और जो एडवाइस दिया जा रहा है उससे यहाँ के बार और रेस्टोरेंट वाले परेशान हैं। क्या है इनकी परेशानी, इनसे जानेंगे। रंजन जी, आपका लोकल खबर में स्वागत है। बताएंगे कि अब जब सरकार नए एडवाइस ले रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो ऐसे में सरकार के इन नीतियों से आपको क्या परेशानी है? एक तो हमारा शुल्क सबसे पहले बढ़ाने का व्यवस्था कर दिए हैं, 3 गुना, और बार में कोटा फिक्स कर दिया जा रहा है, ये संभव है नहीं। 3 टाइम्स किसी भी एक कोरोना काल में किसी तरह से व्यवसायी प्रयास कर रहे कि किसी तरह से व्यवसाय करे, नुकसान है और कुछ है, इतना स्टाफ है, बिजली है, रेंट है, रेंट पे बिजनेस कर रहे हैं। कोटा फिक्स कर दे रही है, मतलब इस क्या कोटा, किस तरह का कोटा, किस तरह का दबाव, मतलब महीने का कोटा फिक्स कर दे रही है बार में। तो ये कोटा किसी भी देश में, छत्तीसगढ़ को छोड़ के पूरे देश में, भारत में कहीं भी बार में कोटा नहीं है। कोटा क्या है ये? 18,000 बॉटल बियर और 11,000 लीकर का, ये कोटा बार में फिक्स कर दे रही है। इतना बेचना ही, इतना बेचना है। और आमतौर पर कितना बेच लेते हैं? मान के चलिए जितना है उसका 20%। अच्छा, जितना ये 20% को 80% बढ़ा रहे हैं। अगर इतना नहीं बेच सके तो? नहीं बेच सके तो पेनल्टी होगा। अब वो तो नीति अभी हम लोग को पता नहीं क्या किए हैं, क्योंकि वो तो सलाहकार जो वो छत्तीसगढ़ के, झारखंड के तो है नहीं, उनको ना सामाजिक परिस्थितियाँ का पता, ना भौगोलिक परिस्थिति पता है, और वो यहाँ पे झारखंड में उत्पाद नीति के सलाहकार बन के आए, करोड़ों रुपया दे के सरकार उनको अपॉइंट किया है, तो उनको तो कुछ पता है नहीं कि यहाँ पे शराब का सेवन कितने परसेंट लोग करते हैं, वहाँ छत्तीसगढ़ में कितने करते हैं, उनको तो अपने पता है। तय कोटा का अगर आप शराब नहीं बेच सकते साल भर में तो क्या होगा? तो वो लोग पेनल्टी करते हैं, जैसे अभी दुकान में है वैसे ही करेंगे, तो और लोड अगर इस तरह का दबाव होता है तो आपके लिए बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पिलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ सकता है, कुछ ऑफर वगैरह भी देना पड़ सकता है? नहीं, एक तो इतना रेट बढ़ जाएगा तो हम ऑफर देने की स्थिति में कहाँ, हम तो अपने बार बंद करने की स्थिति में आ जाएंगे। और आज हम लोग का बार एसोसिएशन का पूरे झारखंड से लोग आए हैं, सबका एकमत हुआ है अगर बार का शुल्क बढ़ाया जाता है तो हम लोग एक साथ बार बंद कर देंगे, कोई भी रिन्यूअल नहीं कराएंगे। एक और बात है, ये जो सरकार है, जो विभाग है, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, मद्य निषेध मतलब कि इसको कंट्रोल करना और कम करना, न कि बढ़ाना, सरकार का ये नीति कंट्रोल करने तो ये विभागी, ये विभाग का मतलब ही कहाँ जाता है, मद्य निषेध तो मद्य निषेध कहाँ कर रहे हैं, मद्य निषेध विभाग तो बंद कर देने। और रेवेन्यू के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल अगर सिर्फ उत्पाद नीति पे ही लागू करना है, सब कुछ में उत्पाद नीति लाए के जैसा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ का मॉडल लाए। तो अभी आप लोगों ने जो बैठक की है इसमें क्या तय किया है आप लोगों ने? तय यही हुआ है कि सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग का जितना है दर पहले से शुल्क है उसी को रहने दिया जाए और कोटा नहीं फिक्स किया जाए, और अगर होता है तो हम लोग बार मालिक बार बंद कर देंगे, सीधे बंद कर देंगे कि किसी तरह का कोई चेतावनी या फिर चेतावनी, अब जब वो कर देंगे फिर देखा जाएगा, फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो कोई भी रिन्यूअल नहीं कराएंगे। कोई तारीख, कोई समय तारीख, क्योंकि अभी तो 1 अप्रैल से ही होना है, जो भी होना है उसके पहले सरकार का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा हम लोग आगे करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब स्थिति जो है बार बंद करने की नौबत आ रही है, सही मायने में जो मंशा है सरकार का कि यहाँ पर जो राजस्व है सरकार का वो बढ़ाने के लिए जो छत्तीसगढ़ से एडवाइज़र नियुक्त किए गए हैं, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा सकते हैं, ऐसे में जो सरकार का मंशा है
मद्य निषेध करना, वो वाकई में मद्य से निषेध होगा या फिर सरकार का राजस्व बढ़ेगा, ये हम आपको आगे भी दिखाएंगे। जुड़े रहिए लोकर खबर के साथ।